दोस्तों ये है लेटेस्ट लॉन्च 2021 अपाची आरटीआर 164V का एचपी एडिशन, यानी अब यहाँ पे आपको जो पावर है वो पहले से ज़्यादा मिलेगी और ये 160 की सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइक बन जाती है अपने सेगमेंट में, क्योंकि यहाँ पे अब आपको जो पावर मिलेगी वो 17.63 पीएस की मिल जाएगी। ये आप देख रहे हैं दोस्तों इसका मेटालिक ब्लू कलर जो कि ग्लॉस ब्लू में आ जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपाची आरटीआर 164V के मेटालिक ब्लू कलर के बारे में, इसके प्राइस, माइलेज, स्पेक, फीचर सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप डाउन पेमेंट ईएमआई कैसे पता करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। नाम अब्दुल्ला, देख रहे हैं डीजे नॉट यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। चलिए सबसे पहले इसके लुक्स और डिज़ाइन की मैं आपसे बात करता हूँ। तो जैसा कि आप इस बाइक को देख रहे हैं, ये कम्प्लीटली आपकी बेस्ड है 200 पे, जो कि इसकी पहले से ही 204V आती थी उसी टाइप में ये बाइक आपको मिलेगी और यहाँ पे काफ़ी स्पोर्टी आपको नज़र आएगी। फ्रंट से भी इस बाइक को जो है काफ़ी अपीलिंग बनाया गया है और इसके लुक में भी जो है चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे ग्लॉस ब्लू कलर में आपको मडगार्ड मिल जाएगा, जहाँ पे ABS लिखा गया है। सुपर मोटो ABS का मतलब है दोस्तों सिंगल चैनल ABS, यानी आपका जो ABS है वो फ्रंट व्हील में ही वर्क करेगा। यहाँ पे टायर साइज़ मिलती है 90x90 17 इंच का टायर मिल जाएगा और ये है इसका टैंक पैनल, जहाँ पे ऊपर आपको TVS की ब्रांडिंग मिलती है। नीचे आपको इंजन काउल मिलेगा, जहाँ पे हाइपर एज लिखा हुआ है ब्लू कलर में, काउल मिल जाता है। और इसके टैंक पे आपको HP की जो है वो रेसिंग वाली जो स्ट्राइप्स होती हैं वो आपको मिलेंगी। रियर में अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दो टायर ऑप्शन मिलते हैं, एक आपको 110 का मिलता है और एक आपको 130 का मिलता है। तो इसमें 130x80 17 इंच के व्हील इस्तेमाल हुए हैं, यानी यहाँ पे आपका थिकर टायर है तो आपके पास दोनों अवेलेबल हैं, आप चाहे जो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी वेरियंट आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रियर से टेल लैम्प मिल जाएगी जो कि LED टेल लैम्प है और स्प्लिट ग्रैबरेल्स का ऑप्शन मिलता है। इसका जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर है दोस्तों वो आपको बल्ब मिलेगा और ये फ्लेक्सिबल और स्पोर्टी आपको नज़र आ रहे हैं। ट्विन बैरल एग्जॉस्ट मिलता है जिसकी साउंड आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। रियर से कुछ ये बाइक इस प्रकार से लगती है, जहाँ पे आपको टायर हैगर मिल जाता है एक, और ये जो स्ट्राइप है इसके टैंक के ऊपर जाती है वाइट कलर की, जो कि इसके रेसिंग DNA को सूट करती है। ये बाइक आपकी एक स्ट्रीट स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है और उसी प्रकार के कर्वी एजेस यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अपाची 160 की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, इसके टैंक के ऊपर वाइट कलर की स्ट्राइप का इस्तेमाल हुआ है और आपको जो हैंडल बार मिलता है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिप ऑन नहीं मिलेगा, आपको सिंगल पीस हैंडल बार मिलेगा। और जो सीट है यहाँ पे आपको वो भी जो है स्प्लिट तो मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो कवर है उसको सिंगल पीस सीट बना दिया गया है कवर चढ़ा करके, और जैसा कि आपको 200 में मिलता है वहाँ पे आपको स्प्लिट मिलती है, लेकिन यहाँ पे कवर की वजह से आपको जो है ये सिंगल पीस सीट लगने वाली है, थोड़ी स्टेप अप सीट आपको ज़रूर लगेगी। फ्रंट से इसको देख सकते हैं फुली LED लाइट इसमें मिलेगी और जो इसके DRLs हैं दोस्तों वो बैटमैन के जैसे आपको नज़र आएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो अच्छा लग सकता है बहुत लोगों को और बहुत लोगों को जो है अच्छा नहीं भी लग सकता है, पर मेरी पर्सनल अगर मैं ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे भाई बहुत अच्छा लगता है। अब अगर हम बात करें इसके दोस्तों टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, तो दोस्तों यहाँ पे 159.7 cc का SI 4-stroke ऑयल कूल्ड इंजन मिलेगा, जहाँ मैक्स पावर आपको मिल जाएगी 17.63 PS की एट 9250 RPM। मैक्स टॉर्क मिलेगा 14.73 Nm का एट 7250 RPM। स्विच क्वालिटी यहाँ पे आपको डिसेंट मिलती है, ये हो गई हॉर्न स्विच, पास स्विच, अपर डिपर स्विच और टर्न सिग्नल इंडिकेटर, और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा जहां आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। राइट साइड में आप यहां पे देख सकते हैं, ये है इसका इंजन किल स्विच और उसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन। अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करूं तो यहां पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लो फ्यूल वार्निंग, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर, तो ये सारा कुछ आपको जो है डिजिटली ही मिलेगा। अगर मैं इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों टेलीस्कोपिक फोर्क दिया हुआ है। रियर में आपको मोनोशॉक मिलेगा और RTR 164V की ब्रांडिंग आपको इसके पीछे मिल जाएगी, पीछे पैनल पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके दोस्तों लेंथ, विड्थ और हाइट। यहाँ पे आपको जो लेंथ मिलती है वो 2035 mm की मिलेगी, विड्थ है 790 mm की और हाइट यहाँ पे 1050 mm की दी हुई है। सीट हाइट इस बाइक में 800 mm मिलती है, यानी शॉर्ट राइडर्स भी इसको ईजिली चला पाएंगे। और ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ 180 mm की, तो काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में आपको मिलेगी। व्हील बेस है 1357 mm का और इस बाइक का जो कर्व वेट है दोस्तों वो है 147 kg का। ये जो डिस्क वेरिएंट है इसका थोड़ा वेट जो है वो आपको हैवी मिलेगा, बाकी जो आपका बिना डिस्क वाला वेरिएंट आता है उसमें जो आपको वेट मिलेगा वो थोड़ा आपको कम देखने को
मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको एक और टेक्नोलॉजी मिलती है जिसका नाम है GTT यानी ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक। ट्रैफिक में आप इसको आराम से एक्सेस कर पाएंगे, 15 से 20 की रफ्तार में आपकी बाइक चलती रहेगी, धीरे धीरे आपको एक्सेलेटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो माइलेज ये बाइक आपको दे देगी दोस्तों वो आराम से 45 से 50 के बीच का माइलेज आपको इस बाइक से मिलेगा। अब बात आती है दोस्तों इस बाइक की प्राइसिंग की, तो ये बाइक आपको जो एक्सशोरूम प्राइस देखने को मिलेगी वो मिलेगी 1.13 लाख की, और ऑन रोड प्राइस जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आपको EMI, डाउन पेमेंट सबके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ओवरऑल ये जो आपकी अपाची RTR 164V है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल 160cc बाइक है। इसकी पावर, परफॉर्मेंस और फीचर्स इसको 160cc कैटेगरी में एक टफ कॉम्पिटिटर बना देती हैं कंपेयर टू अदर जो बाइक आपकी मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों अगर इसकी EMI डाउन पेमेंट जाननी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हर्ष TVS के नंबर से कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं, और अगर आप प्रतापगढ़ के हैं तो शोरूम में विजिट कर सकते हैं जो कि सई नदी के पुल के पास आपको पड़ेगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।